नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ और हम पहुंचे हैं ओल्ड फरीदाबाद ओल्ड चौक पर। और आप देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों की तादाद में भीड़ है और यहाँ तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी है। ये देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि लाइव तस्वीरें, ये देख सकते हैं तोड़फोड़ की जो कार्रवाई है ओल्ड फरीदाबाद में। और आपको बता दें कि ये यहाँ जो ये ढाबा था वो भी खाली कर दिया पूरा। संगीता ढाबा शायद बड़ा मशहूर ढाबा था, संगीता ढाबा के नाम से, वो भी खाली कर दिया, ये देख रहे हैं आप। और ये जो उसके बगल में जो दुकानें थी ये सारी हटाई जा रही हैं, तोड़ी जा रही हैं। और ये देख सकते हैं भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी यहाँ मौजूद है और तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये देखें, मेन चौक है ओल्ड फरीदाबाद का मेन चौक, जहाँ ये तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ये देखें सारा सामान बाहर ढाबे का, और ये देख सकते हैं हाइड्रा और जेसीबी यहाँ पर पहुँची हैं। और ये देखें मेन मुख्य चौक है, जो बिल्कुल मेन चौक पर ये लाइव देख रहे हैं, संगीता ढाबा जो बहुत मशहूर ढाबा था और काफ़ी समय से यहाँ चल रहा था उसको भी आज तोड़ा जा रहा है। ये देखें और काफ़ी तादाद में यहाँ पुलिस फोर्स, और उसके बाद ये देख रहे हैं ये देख सकते हैं तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से। एक भारी तोड़फोड़ बिल्कुल मेन चौक पर, ओल्ड फरीदाबाद के मेन चौक पर ये जो तोड़फोड़ हो रही है, ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ हाइड्रा भी पहुँचा और जेसीबी भी है और तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पहुँचा हुआ है। ये देखो भारी संख्या में पुलिस बल के साथ यहाँ जो तोड़फोड़ की जा रही है। ये देखें पूरा सामान, ये होटल था, ये होटल का पूरा सामान बाहर है, ये देख सकते हैं। और भाव जी कहाँ तक होगी ये फ्लैट नंबर 66? ये क्या है थोड़ा सा एक बार बता दें। ये एक्चुअली में यहाँ पर ना HSVP की जमीन है, ये जमीन हमारे को स्लिप रोड बनानी थी, इन्होंने एंक्रोचमेंट की हुई है, एंक्रोचमेंट को हम सफाया कर रहे हैं। ये तोड़फोड़ कौन करा रहा है? तोड़फोड़ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP नगर निगम की तरफ से नहीं। तो ये पूरा वहाँ तक टूटेगा? नहीं नहीं, फिलहाल तो स्लिप रोड हम यहाँ तक, ये पांच पिलर है हमारे, 1, 2, 4, 5 पिलर है वहाँ तक। हाँ जी, रेड लाइट तो यही है या और भी कहीं है? यहाँ डाल यही है, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, जो यहाँ जाम लगता था वो जाम खत्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो जैसा कि बता रहे थे कि पांच पिलर हैं और पांच पिलर तक ये जो लगातार जो दुकानें हैं, 5-7 दुकानें जो आप देख रहे हैं ये तोड़ी जा रही हैं HSVP की तरफ से, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से ये तोड़फोड़ की जा रही है, ये नगर निगम की तरफ से नहीं है। और ये HSVP की ज़मीन है, ये देखें, जिसे तोड़ने के लिए आज यहाँ ये दस्ता पहुँचा है। और यहाँ ये देखें, आपको दिखाते हैं कि पूरे जितनी भी दुकानें थी और होटल थे वो सब, ये देखें सब ने अपना सामान बाहर कर लिया, पूरा होटल का सामान। और काफ़ी बहुत समय हो गया, बहुत समय से ये होटल है, आप शायद जानते होंगे संगीता के नाम से था, संगीता ढाबा मशहूर होटल था यहाँ, जो कि यहाँ चल रहा था, लेकिन अभी ये पूरा खाली कर दिया है। और ये देखें ले जाते हुए पूरा होटल खाली कर दिया, और जितनी भी ये दुकानें थी चाहे वो ऑटो रिपेयरिंग की हों या कुछ हो, तो ये क्या होगा? पहले से बताया तो होगा, पहले तो बताया होगा, खाली नहीं किया। नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला भाई, कुछ भी नहीं बताया है।
अचानक? हाँ जी अचानक चोर रहे। पहले कुछ नहीं पता, नोटिस भी नहीं दिया कि ऐसे तोड़ेंगे? कोई नोटिस नहीं, ये सन नगर में मिला, यहाँ नहीं मिला। हाँ जी तोड़े तो ऑर्डर तो देना चाहिए, पहले ऑर्डर ही नहीं मिला। खाली कर दो, कहाँ जाएगा भाई, ये बस सोचो ना आप, पहले बता देते इसका भी जगह दो ना कहीं। पूरा होटल था, पूरा सामान था उसका, बहुत सारा सामान नुकसान हो गया। ये भी देखो ना आप, सोचो आप, हम भी गरीब आदमी है, बस यही है यार। क्या देख सकते हैं, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से जो तोड़फोड़ की जा रही है, जो हम जी लोग गरीब आदमी है। तो ये कैसे अवैध? ये अवैध बना हुआ था क्या? हाँ जी अवैध बना हुआ था। हाँ जी बना हुआ है भाई, बना हुआ है। तो ये देखें सारा सामान बाहर निकालते हुए, पूरा होटल का पूरा सामान और पूरा सामान बाहर निकाला मेन चौक पर, ओल्ड फरीदाबाद के मेन चौक पर, जहां आज हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की टीम पहुंची है इसे तोड़ने के लिए। और ये देख सकते हैं, तमाम दिखाएंगे आपको आगे भी। ये देखें पूरा सामान बाहर है, और ये देखें ये जो पूरा, ये देख सकते हैं तो किस तरह से दुकानें हैं, ये सारी दुकानें जो हैं ये तोड़ी जाएंगी यहाँ। और ये देखें काफ़ी लोगों में अफरा तफरी मच गई, जैसा कि बता रहे थे कि पहले से कुछ बताया नहीं था, सूचना नहीं दी थी। और ये देखिए यहाँ जो पूरी दुकान उठा ली, ये जो शायद पान का वो था जो बीड़ी सिगरेट का, वो पूरा ऐसे के ऐसे ही उठा लिया, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये देख रहे हैं ये खोखा था शायद, बीड़ी पान सिगरेट का खोखा था जिसे पूरा बांध कर और ऐसे ही उठा लिया, हालांकि तोड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ जो और रेहड़ियाँ थी, जूस की रेहड़ियाँ लगती थी, गन्ने के जूस की रेहड़ी, ये देखें खाने के और जूस की जो रेडियो लगती थी, उन सबको हटा दिया गया है। और जैसा कि बता रहे थे अधिकारी कि जाम की वजह से यहाँ जाम लगता है, और जिसको लेकर आज ये कार्रवाई की जा रही है, ये देख सकते हैं। ये देखें पूरी दुकान हाइड्रा की मदद से पूरी दुकान ही उठा ली, और इसको उठाकर अलग रख देंगे। और ये देखें होटल, ये देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा, ये देखें। और ये होटल मशहूर होटल संगीता होटल, संगीता ढाबा के नाम से था, आप देख रहे हैं उस पर शायद नाम आपको देखने में आएगा संगीता ढाबा, जिसको आज तोड़ा जा रहा है। ये तमाम लोग अपना सामान ले लेकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी से जो सामान है वो बच जाए, और हालांकि इसका भी कुछ सामान रह गया था अभी होटल वाले का, जिस वजह से जेसीबी अभी रोक दी गई है और वो सामान अपना निकाल रहा है, उसके बाद इसको भी धराशायी कर दिया जाएगा। अरे देखें मेन चौक, ओल्ड फरीदाबाद का मेन चौक है जहाँ ये तोड़फोड़ हो रही है, जहाँ दिखा रहे हैं आपको लाइव तस्वीरें, ओल्ड फरीदाबाद का मेन चौक, और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से ये तोड़फोड़ हो रही है। जैसा कि बता रहे थे कि HSVP की ये ज़मीन है जहाँ ये होटल और दुकानें बनी हुई थी, जिनको HSVP की तरफ से तोड़ा जा रहा है, ये देखें। और 5 पिलर तक, ये जो पिलर देख रहे हैं आप मेट्रो के पिलर, ये यहाँ से चौक से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पिलर तक जितनी भी जो भी दुकानें होंगी वो सारी तोड़ी जाएंगी। अभी फ़िलहाल इतनी का ही आदेश है कि अभी यही जगह जो है वो खाली कराई जाएगी, उसके बाद आगे की जो कार्रवाई होगी वो देखेंगे कि और आगे ये कहाँ तक होती है और कितनी होती है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं ये
ये देखे। और सैनी जी जी सर से तो जी सर बताएं जी, और कितना कितनी करेंगे, कहाँ तक है कार्रवाई? जैसा बताएंगे अभी यहाँ के हैं हल्के के सर, ये यहाँ से ये पूरा तोड़ेंगे क्या? हाँ ये अभी ना वहाँ से ऐसे रोड बनेगी। हाँ तो वहाँ से ऐसे रोड बनेगी। अच्छा। तो सारा सारा साफ करना है वहाँ से यहाँ से रोड बनेगी। जी जी हाँ जी हाँ। तो आप देख रहे हैं तो सर ये अवैध बने हुए, ये भाई इन्होंने केस चल रहा था आपस में, तो ये केस हार गए हैं। हाँ तो अभी इन्होंने आप रेट वेट गेयरिंग नहीं डालेंगे जब तक बात है, लेकिन रोड बना रहे हैं यहाँ से जी। हाँ ये अवैध नहीं थी, अवैध नहीं थी, इनको केस चला हुआ था। सरकारी जमीन होगी ये? जी नहीं, ये हुड्डा की जमीन है, आपस में केस चल रहा था किसान का। अच्छा। सरकार केस चल रहा था आपस में, तो वो केस हार गए। हाँ अब हार गए। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद किस तरह से, आप भी बताएं जी है जी, आप भी बताएं क्या? नहीं नहीं, जिस गवर्नमेंट की जगह तो गवर्नमेंट लेगी जी, जिसकी जिसकी है। तो बता रहे थे कि वो जाम भी बहुत ज्यादा है, जाम जूम भी रहता था। देखो जी जो करेगा प्रशासन करेगा जी, हम इसमें तो इंटरफेयर कर ही नहीं सकते जी कोई। बिल्कुल नमस्कार सर। सर ये थोड़ा सा बता दें, ये सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस हो चुकी रिट थी हमारी, हुड्डा की जमीन है, अब तो कब्जा ले रहे हैं इस पे। यहाँ रोड बने गए यहाँ से सर्विस रोड, उसके लिए पब्लिक की सुविधाओं के लिए ले रहे हैं जमीन। अच्छा, इसमें साइड से जो रोड बनेगा? हाँ साइड से रोड बनेगा इसमें ना, उसके लिए। हाँ जी हाँ जी, भीड़ भाड़ रहती है तो उसके लिए जो ना रोड बनेगा इसके लिए। तो ये अभी कहाँ तक करेंगे, कितना? ये पूरा करेंगे, पूरा साफ करेंगे, जो देख रहे हो आप तोड़ फोड़ चल रही है पूरा, बिल्कुल साफ। इसके अलावा भी और भी नहीं, आज तो यही है केवल। अगली तरफ भी होगा सर? आज यही है और देख रहे हैं आप। और सर ये जैसे कह रहे थे कि बताया नहीं, पहले से बता देते तो हम अपना सामान वामान भी निकाल लेते, क्या कि बताया नहीं अचानक आ गया। रूटीन की प्रोसेसिंग है, पहले ही 3 दिन पहले बता दिया हमने। अच्छा, एक महीने से लगातार बता रहे हैं। तो आज ही पहले ही सूचना दी होगी? पहले ही सूचना थी, पहले सूचना दी हुई। धन्यवाद जी। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद पहले से ही सूचना दे दी थी कि ये यहाँ से जो ये रास्ता है, जब आप अंदर ओल्ड फरीदाबाद की तरफ से आएंगे, बाईपास की तरफ से आएंगे, तो जब रेड लाइट पर आते हैं उससे जस्ट पहले ही यहाँ से सड़क, जैसा कि बता रहे थे, सड़क निकाली जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं ये मेन रोड है, मेन रोड की बगल से यहाँ से सड़क निकाली जाएगी, जो इधर जिस पे मुड़कर आप नीलम की तरफ जाएंगे। और जाम और भीड़ भाड़ और जाम को देखते हुए आज ये जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई की जा रही है। और कई दुकानें हैं, पूरा होटल है संगीता होटल, और कई दुकानें हैं इसके साथ, इन सब को तोड़ा जाएगा। और अभी फ़िलहाल आज का जो आदेश है वो यही है, आगे जो भी कार्रवाई होगी और जो आगे के आदेश होंगे, जो और कहीं किसी और जगह पर भी जो तोड़फोड़ होगी वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे और अपडेट देंगे। तो आगे की कार्रवाई के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ फरीदाबाद। जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं अभी दिखाएंगे आपको कि किस तरह से जो संगीता ढाबा था उसको तोड़ दिया गया। ये देखिए सारा सामान बाहर है, पूरे होटल का जो भी सामान होता है, जितने भी चीज़ें होती हैं प्रयोग में आने वाली वो सब। और आप देख सकते हैं चावल भी देख रहे हैं, प्याज व्याज कटा हुआ, हालांकि तैयारी होगी कुछ खाने की। तो ये प्याज चावल सब कुछ ऐसे के तैसे ही बाहर आ गया, देख सकते हैं कि किस तरह से। और हालांकि लोग अपने आप भी अपना सामान बाहर निकाल रहे हैं, बोर्ड खोल रहे हैं इससे पहले कि इनकी दुकानों का नंबर आए और नुकसान हो, उससे अच्छा है कि पहले ही निकाल लें, क्योंकि इन्हें पहले ही बता दिया गया था। और जिसको लेकर आज ये कार्रवाई की गई है, यहाँ ये देख रहे हैं लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको तोड़ फोड़ की वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से। ओल्ड फरीदाबाद बड़ा ही भीड़ भाड़ वाला चौक, मेन चौक ओल्ड फरीदाबाद का, ये देख सकते हैं मेन मथुरा रोड पर ठीक रेड लाइट के पास
ये तोड़फोड़ को अंजाम दिया जा रहा है। और अभी इस ढाबे के बगल में वो आपने देखा तो दुकान तोड़ दी, और उससे पहले जो और दुकानें थी उन्हें भी तोड़ दिया गया है। लेकिन एक जो खोखा था, जिसे आप कह सकते हैं कि छोटी सी दुकान थी, बंद थी, उसको पूरा हाइड्रे से उठवा कर और ले गए, तोड़ी नहीं लेकिन उसको पूरा ही उठा कर ले गए। और आप समझ सकते हैं ये सब होने के बाद यहाँ से एक रोड निकालेंगे, जिससे ये जो यहाँ भीड़ भाड़ रहती है, ये जो जितने भी ऑटो रिक्शे वाले हैं ये यहाँ मेन रोड पर खड़े रहते हैं, उन सब से शायद निजात मिल सके। और देख सकते हैं और जैसा कि बता रहे थे कि आज के लिए यहीं का आदेश है, और इसके बाद आगे जहाँ भी होगा वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको यहाँ ओल्ड फरीदाबाद से दिखा रहे हैं, ओल्ड चौक से दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें, हरियाणा शहरी विकास द्वारा जो तोड़फोड़ की लाइव तस्वीरें। और अभी भी लोग अपना सामान निकालने में जुटे हुए हैं कि किसी तरह से पूरा सामान बाहर निकाल लें, जिससे कि नुकसान से बचा जा सके। नहीं तो जहाँ जैसे भी चलेगी तो फिर वो सारा सामान टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, नुकसान होगा। वो तो एक तरफ से तोड़ना चालू कर देंगे, ये देखें तैयार है बिल्कुल। ये देख सकते हैं किस तरह से संगीता ढाबा को ढहाते हुए। और ये जो भट्टी देख रहे हैं ये अभी भी गर्म है, यानी कि अभी भी इस पर कोई खाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन अचानक से HSBP वालों ने ढाबा बोल दिया। और ये देखिए देख सकते हैं, और लगातार कभी नगर निगम की तरफ से, कभी HSBP की तरफ से लगातार तोड़फोड़ होती रहती है, जो अवैध निर्माण होते हैं उनको हटाया जाता है। और उसी प्रकरण में आज HSBP की टीम यहाँ पहुंची है। ये देखें किस तरह से जितने भी जो दुकान थी छोटी मोटी बीड़ी सिगरेट की और जूस की दुकान भी यहाँ लगती थी, उसको भी हटा दिया। और खाने का भी शायद था, यहाँ खाने वाला भी था, एसी भी तोड़ दिया है। जी 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 बिल्कुल। AC भी टूट गया है अब तो AC भी टूट गया है जी बिल्कुल। ये देखें अभी कुछ दिन पहले चिमनी भाई धर्मशाला के पास भी देखा था आपने, तोड़फोड़ हुई थी, जो दुकानें थी वो तोड़ी गई थी, हटाई गई थी वहाँ से। और उसी तरह, लेकिन वो नगर निगम की तोड़फोड़ थी, वो नगर निगम फरीदाबाद की तरफ से जो एनक्रोचमेंट था उसको हटाया गया था। और ये HSBP की तरफ से है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से है, ये जो तोड़ फोड़ की जा रही है। ये देखें पंखे वंखे और ये सारे निकाल रहे हैं कि किसी तरह से जितना भी जो भी सामान हो सके उसको निकाला जा सके, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। ये देखें पूरा तोड़ दिया है, ये देख सकते हैं।
लेकिन वो तो कह रहे थे कि पहले ही बताया। हम लोग को कुछ मालूम नहीं है, एक महीना हो गया, उसको मालूम होगा, हम लोग को मालूम नहीं है। हाँ खाली करवाया तो पहले बता देना चाहिए था। आपके पास दुकान के कोई पेपर है? हाँ है। तो उसने मालिक मालिक इधर आया, मालिक इधर है। मैं 2011 से हूँ। 2011 से जी। ये जमीन एचएसबी की बोल रही है कि उनकी जमीन है ये? वो तो मुझे पता नहीं। तो ये आपको बताया था नहीं तोड़ने से पहले? हाँ हमारे मालिक जी बताए थे, मतलब कह रहे थे कि एक महीने से ही पहले से। तो वो तो हमें नहीं आएगा, मकान मालिक का ऊपर नोटिस आएगा, हमें कौन देगा? अच्छा, अच्छा। जी मकान मालिक मैं तो रेंट जी मैं रेंट लेकिन नुकसान तो है, नुकसान तो है परमात्मा का। तो आप देख सकते नुकसान तो बहुत है, आप देख सकते हैं। ये तो जी रेंटेबल थे जी। हाँ बिल्कुल किराए पे थे जैसा कि बता रहे हैं, लेकिन बहुत समय से थे, काफी समय से थे। और ये देख सकते हैं हाँ कि किस तरह से ये देखिए पूरा, ये देखिए थोड़ा सा समय मिल गया इन्हें सामान निकालने के लिए। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें थोड़ा सा समय दे दें ताकि हम अपना सामान निकाल सकें, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। और जिस पर अधिकारियों ने इनकी बात सुनी और इन्हें थोड़ा समय दे दिया, वक्त दे दिया कि अपना सामान निकाल लो, जितना भी सामान है जो उसे निकाल लो। और देख सकते हैं हालांकि सारा सामान निकाल लिया, जो भी सामान था वो पूरा खाली कर दिया है। देखें और ये देखिए पूरा चौक पर हटा लो, इसको हटा लो नहीं तो जल्दबाजी में हटाते हुए मशीन कार्रवाई के लिए तैयार। और लोहे का है, काफी भारी है, देख सकते हैं आप, कम से कम 6-7 लोग लगे हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं हट रहा है। लेकिन फिर भी दुकान से बाहर निकाल लिया ताकि बचाया जा सके, नहीं तो इसके अंदर दब जाता ही। देखें संगीता ढाबा, और अब कहाँ होगा इसके बाद ये नहीं कहा जा सकता। और जो ढाबे के मालिक थे, भगवान की फोटो उतारते हुए, भगवान को भी निकाल लिया बाहर, ये देख सकते हैं। बड़ा ही मशहूर ढाबा था, यहाँ शुद्ध शाकाहारी था और काफ़ी समय से था जैसा कि बता रहे थे, लेकिन अब यहाँ नहीं है फरीदाबाद। अब कहाँ ये लगाएंगे, वो बात की बात है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन दुकानदारों में हफरा तफरी, होड अपने सामान को निकालते हुए। ये देखे, और ये जेसीबी का पीला पंजा, ये चालू, और एक ही बार में धराशायी, एक ही बार में पूरा होटल खत्म कर दिया। संगीता ढाबा एक ही बार में पूरा खत्म, धराशायी कर दिया।
ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा और लगातार भीड़ बढ़ती हुई, लोगों की भीड़ यहाँ जा रही है। और हाइड्रा फिर एक बार फिर हाइड्रा दोबारा वापस आते हुए लगता है और भी किसी इसको ले जाएगा शायद। एक और ये जो दुकान है जो ये भी शायद बीड़ी पान सिगरेट की दुकान है जिसको ले जाएगा अब ये, और ये शायद किसी की दुकान होगी जो इस समय यहाँ नहीं है, तो अपना सामान निकाल लेता है इस वजह से इसको उठा कर ले जाएंगे और बाद में वो अपना सामान ले सकता है। ये देखें लाइव तस्वीरें ओल्ड फरीदाबाद चौक से। भैया ये है नहीं क्या इसका मालिक? आगे मालिक ले रहे। ये आपका ही था? नहीं आपका ही है भाई साहब। अरे फूट जाने ना। अरे नहीं नहीं मालिक ये देख सकते हैं किस तरह से इसको भी ले जाते हुए। और पूरे ढाबे को धराशाई कर दिया। ये देखे एक बड़ी तोड़फोड़ HSBP की तरफ से, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से एक बड़ी तोड़फोड़ मैन चौक पर, ओल्ड फरीदाबाद के मैन चौक पर। लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से, तोड़फोड़ की लाइव तस्वीरें किस तरह से होटल ढाबा दुकान जो कुछ भी है उन सबको धराशाई करते हुए। ये देखिए ओ पानी की टंकी थी ऊपर। हो गया है? क्या हो गया? मैं कुछ कह रहा था। ये देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा ये देखे इसको भी उठा लिया हटाते हुए, इसको भी जैसा कि पहले दुकान को उठा कर ले जा रहे थे ठीक उसी तरह इसको भी उठा कर ले जाते हुए। और ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से पूरे फरीदाबाद चौक पर ये देखे तमाम भीड़ और फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलो।